ऐसे मैं जाके मैं अपने हस्बैंड को बोली मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घर ले चलो, नहीं तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं घर में ज्यादा ठीक हूँ, बस जब ऑपरेशन होगा मैं तब चले जाऊंगी। बस मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि प्रीति बोली मुझे दुआओं की जरूरत है, दुआओं का जरूरत है उसको। तो आप सभी प्लीज प्रीति के लिए जरूर दुआ करना। चेस्ट का है एक्सरे रिपोर्ट और ये कर दूंगी फाइनेंशियली, हो जाएगा भगवान। मैं नया चैनल बनाई, बहुत मेहनत करती हूँ, चैनल के ऊपर चैनल ही बना रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ मेरी एक प्यारी दोस्त से मिलने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है। पिछले एक महीने से वो एडमिट थी, आईसीयू में भी एडमिट थी, तो उसी से मिलने के लिए जा रही हूँ मैं। आप लोगों को भी मिलाऊंगी। दरवाजा खोल दो, हटो 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 हटो। जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। घर में क्या कर रहे, बाकी लोग क्या कर रहे? बाकी लोग छत में, छत पे। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ प्रीति के पास। देखो लेटी हुई है, सोई हुई है, बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे सब लोग पूछते हैं कि प्रीति आपको दिखती नहीं है, प्रीति से झगड़ा कर लियो क्या, क्या हुआ प्रीति को? क्योंकि पिछले एक महीने से प्रीति के साथ मेरा कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दूं प्रीति हुई है बहुत ज़्यादा बीमार। ये देखो ये सारा रिपोर्ट लेके मैं बैठी हुई हूँ। उसका क्या क्या हुआ है बता दो। हाँ, इसको ना चेस्ट में सोनोग्राफी किए, पेट में किए हैं और चेस्ट में इन्फेक्शन है। रुको मेरे को पास आने दो, फिर मैं आप लोगों को इसका रिपोर्ट दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा बीमार है अंदरूनी। बस थोड़ा सा हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में एडमिट थी। मेरे पास इसका वीडियो आईसीयू में एडमिट वाला। अरे बाबा ली, लग तो ना, लग तो ना, लग तो ना। तीन बार एक ही साइड हूँ मैं। मैं भी सो जाती हूँ, तुम उठो ना। ज्यादा दर्द है, मैं भी सो जाती हूँ। बोलो अभी एक ही साइड हूँ और पेट में बहुत ज्यादा पेन है, बहुत बहुत ज्यादा। हुआ क्या ये बताओ? ओवरी सिस्ट हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और चेस्ट में ऑपरेशन ही होगा, चेस्ट में इन्फेक्शन है, लिवर स्वेलिंग है बहुत ज्यादा। इसका मैं भी रिपोर्ट चेक की हूँ, इसका रिपोर्ट में इतना सारा चीज पकड़ाया है। WBC 15,000 है, जबकि 8 से 11,000 होना चाहिए। लिम्फोसाइट्स बड़ा हुआ है और क्या देखी हूँ मैं, ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं बन रहा है। तो मैं चेक नहीं की। चेस्ट में इसका इन्फेक्शन है, चेस्ट का सोनोग्राफी देखी, इसमें इन्फेक्शन है और ओवरी में इसके सिस्ट हो चुका है। चार महीने बाद ऑपरेशन है। बताओ अभी सिस्ट के कारण इसका ब्लीडिंग हो रहा है ना। हाँ। और मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं कभी आईसीयू में जाऊँगी। आईसीयू में जाके मैं अपने हस्बैंड को बोली मुझे यहाँ से निकालो, मुझे घर ले चलो, नहीं तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं घर में ज़्यादा ठीक हूँ, बस जब ऑपरेशन होगा मैं तब चले जाऊँगी। पर मतलब आईसीयू बहुत, मैं कोई भी मत जाए कभी भी। मैं फिलहाल प्रीति से मिल चुकी हूँ, बहुत लोगों को लगता है मैं मिली नहीं हूँ। मैं इस बीच में उसके घर में कम से कम 5 से 6 बार आ चुकी हूँ। हाँ। इसे लास्ट मिली थी मैं 3 दिन पहले ना। हाँ, चार दिन पहले मैं इससे मिली थी। उस समय उसका फेस बहुत डल लग रहा था, फिर मुझे पता चला, कल मुझे पता चला कि उसी दिन वो आईसीयू में एडमिट हुई थी। हाँ, उसका तबीयत बहुत खराब हो गया था। मैं आती थी मगर इसके साथ कभी ब्लॉग्स वगैरह डाली नहीं, बनाई नहीं, क्योंकि इसका तबीयत खराब था, बनाना अच्छा भी नहीं लगता। तो आज ये घर पे है, रेस्ट कर रही है, सोई है थोड़ा सा। तो मैं बोली आज मैं जाती हूँ उसके साथ, थोड़ा सा ब्लॉग बना देती हूँ। काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं प्रीति के साथ झगड़ा कर लिए क्या, प्रीति दिखती नहीं है, प्रीति आती नहीं ब्लॉग में करके। तो झगड़ा नहीं की हूँ, बेचारी बहुत बीमार है। बस मैं अपने ब्लॉग में बोली भी थी आपके बारे में, आप बीमार हो करके, पता है। आप बस मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि प्रीति बोली मुझे दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं का ज़रूरत है उसको। तो आप सभी प्लीज़ प्रीति के लिए ज़रूर दुआ करना कि वो फटाफट ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ऑपरेशन मत हो ओवरी में। तो मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन, इंजेक्शन, मतलब जिस चीज़ से मुझे डर लगता है वो सारा चीज़ हो रहा है अभी।
बस यही है। प्रीति बोली थोड़ा सा सबको बोलो मेरे लिए दुआ कर दे ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। और जितनी बार मैं बीमार पड़ी हूँ, रिशु बीमार पड़ी है, आप सब लोग भर भर के दुआ करते हो, हम दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। अब प्रीति के लिए आप लोग दुआ करो कि प्रीति फटाफट स्वस्थ हो जाए। इसका जो जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं रिपोर्ट में फ़ोटो खींच लूँगी और यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि होते ना कुछ कुछ नेगेटिव पीपल भी होते जिनको लगता है कि शायद झूठ हो सकता है। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी इसका रिपोर्ट। बहुत सारी बीमारियाँ, सोचो इसका भी 4 महीने बाद, अगर 3 महीने का दवाई दिया ओवरी के सिस्ट के लिए, अगर उसे ठीक नहीं होता है फिर देन आगे ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी अगर आप 2 घंटे पहले अगर आते तो मैं बहुत रो रही थी, इतना ज़्यादा हो गया था दर्द, फिर पेन बहुत बहुत दर्द हो रहा था, फिर पेन किलर ली, फिर 40 मिनट बात करने लायक हुई। क्या बोलूँ बताओ, इसको इसका फेस आप लोग देख रहे होंगे कितना एकदम सूख गया है फेस, हाथ पर भी पत्ते पत्ते हो गए। मैं डॉक्टर के पास गई थी उस दिन मेरा शो था, मैं सोची नॉर्मल चेक करके मेरे को फिर जाना है, यहाँ से 4 घंटे का रोड है, वहाँ मेरा शो है, बस मैं ऐसे नॉर्मल चेकअप के लिए गई और अचानक से पेट में दर्द हो गई, बहुत तेज दर्द, बहुत तेज। मतलब उसके बाद वो जो 3 दिन के अंदर ही सब कुछ हो गया। अब 3 महीने 4 महीने रेस्ट, मतलब टोटल 6 महीने रेस्ट, काम नहीं करूँगी, मैं समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे चलेगा सब चीज़। और ये क्यों हुआ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खाना पीना बिल्कुल सही ढंग से खाती नहीं है, बिना खाए पिए अपना काम करती है, ये हाँ। नहीं चलो ठीक है घर में नहीं खाई तो बाहर का खाना खा ले, बाहर का खाना भी नहीं खाती थी, भूखी रह रहे के अपना ये अभी हसर मनाई है, बिना खाए पिए काम करोगे दिन भर, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, काम करना मेरी तरह। हाँ मैं तो अभी खा रही हूँ थोड़ा बहुत, मैं नहीं खाती थी, ये नहीं खाती शोज में, जबकि खाना पीना सब कुछ मतलब भरपूर होता था। जैसे कल अगर इसका शोज है आज नहीं खाऊंगी क्यों, अरे मेरा पेट निकल जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, हाँ कुछ खा लो, नहीं मेरे गला खराब हो जाएगा, मीठा नहीं खाऊंगी, तो ऐसे नहीं खा के अपना तबीयत का भी ये हसर बनाई है, खून नहीं है, WBC ज्यादा है, लिम्फोसाइट ज्यादा है, और क्या कहते हो क्या कहते हो पूरा ज्यादा हो चुका है, अभी सब चीज बहुत ज्यादा है, बस चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, ओवरी में सिस्ट हो गया है, ओवरी का सिस्ट एक फूट गया शायद, उसका ब्लीडिंग हो रहा है अभी। हाँ, एक फट गया था तो वो फटने से ही वो पेन बहुत ज्यादा हुआ, तब जाके ये सारी चीजें हुई, टेस्ट हुआ, फिर पता चला कि हम लोग चेक कराने के लिए गए थे नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार, लेकिन हुआ कुछ और है, तो वो फटने की वजह से हुआ। कैसा लगता बताओ, मैं आज भी इसके साथ वीडियो नहीं डालती, लेकिन इसको दुआ की बहुत ज़रूरत है, जल्दी फटाफट स्वस्थ हो जाए, इसलिए मैं इसको लेकर डाली हूँ, नहीं तो मैं बहुत पहले ही डाल देती। ठीक, आज 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, उसका तबीयत ही नहीं ठीक हो रहा, रिकवर ही नहीं कर पा रही है। मेरे ख्याल से 1-2 बार ऐसा भी होता कि आप मेरे घर में आए थे पर मैं नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। हाँ, तो इसे वीडियो बनाने का तो मौका ही नहीं मैं आई थी इससे मिलने बीच में, और 2 बार तो उसमें 2 बार उसमें हॉस्पिटल में गई थी वो। हाँ अरे क्या बताए बताओ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो सब है भरपूर, बस अकाउंट में ही कुछ नहीं है। हाँ, इसका भी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, क्योंकि देखो ये रोज कमाती है तो रोज खाती है। हाँ। अभी इसका काम पिछले 1-1.5 महीने से बंद है तो भी रुका हुआ, अभी 6 महीना और घर में रहेगी, अभी और 6 महीना भगवान बोले, डॉक्टर ने रेस्ट बोला 6 महीना, और मैं इसको बोलूँ ज्यादा कूदना फांदना मत, चुपचाप घर में रेस्ट करो, 6 महीना काम नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम स्वस्थ तो रहोगे, 6 महीना कूदेगी फूदने के फिर इसको ओवरी का सिस्ट में कुछ दिक्कत होगा, फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। टेंशन बस वही है कि बहन की शादी भी है, तो मैं बहुत कुछ सोची थी, इतना सारा काम था पूरा लिया और सब छूट गया कैसे। हाँ, इसकी बहन की शादी फिक्स हो गई है, जनवरी फरवरी में होगा, फरवरी तो ये इसका अभी काम का टाइम है, ये अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी तो सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये इसका काम रहता है, क्योंकि अभी शादी है, इवेंट्स वगैरह बहुत होते हैं अभी शादी में, पूजा वूजा में, तो इवेंट्स इसी समय इसका रहता है कि ये अच्छा खासा अर्न करती है, इसी समय इसको रेस्टिंग पीरियड में मिल गया अभी। कोई बात नहीं, रेस्ट करो, जाने तो जहान है। हाँ। और भगवान है, कहीं ना कहीं से आपको मदद हो जाएगी, भगवान करे कि मैं इतना कमाऊँ कि मेरे साथ ले लो, आप कमाओ, बहुत कमाओ मेरे साथ, क्योंकि देखो अभी आपका काम नहीं हो रहा, आप काम नहीं कर रहे हो ना। हाँ। तो मैं काम कर रही हूँ ना अभी, तो बस मेरा YouTube वीडियो वायरल हो जाए, कपड़े सारे बिक जाए, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी फाइनेंशियली, सपोर्ट करूँ।
हो जाएगा भगवान, मैं नया चैनल बनाई, बहुत मेहनत करती हूँ, चैनल के ऊपर चैनल भी बना रही है। जब से मैं इससे जुड़ी हूँ ये मुझे बोलती है आप चैनल पे चैनल बनाए जा रहे हो, तो मैं बोली क्या करूँ, मेरा पति रोज रिपोर्ट करता है, दो चैनल मेरा डिलीट हो चुका है, ये वाला भी कब हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए और चैनल बनाई हूँ। आप उसमें उसका जिक्र करना ही मत भाई, उस चैनल में ना उसके बारे में कुछ बोलना है ना उसके बारे में कोई जिक्र करना है, मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसमें मैं सिंगल हूँ क्योंकि इसमें रिशो को दिखाना नहीं है, शादीशुदा भी नहीं बोलना है, तो सिंगल हूँ, नॉन मैरिड हूँ, बच्चा बच्चा नहीं है, ऐसा बनाऊंगी क्या करूँ। नहीं यार रिपोर्ट मैं जानती हूँ कितना तकलीफ होता है, आज अगर मेरा मेन चैनल होता मैं अगर अच्छा पैसा कमा रही होती तो तुमको दे देती आधा, सही बता रही हूँ। अभी मेरा फाइनेंशियली कंडीशन इसको बहुत अच्छे से पता है, जो पैसा आता है पूरा घर किराए में चले जाता है पूरा, हाँ कपड़े वगैरह भी जो बेच रही हूँ ना वो दुकानदार को पैसा नहीं देती हूँ, हाँ वो बाद में जाके मैं देती हूँ, कपड़े भी ले लो बहुत सारे, किससे किससे कपड़ा लो, इससे कपड़े ले लो, अरे बाबा ने पहना, अरे नहीं नहीं देखो अभी हम एक जगह हुए भी हंस रहा बीच में हंस रहा, तो उसको पेंट कर देना, मत हंसो मत हंसो, रुलाओ रोओगे नहीं, मैं कल डॉक्टर के भी पास गई तो उनसे यही पूछे कि मेरे को डांस का बहुत शौक है तो कब तक मैं नहीं करूँगी, तो वो बोली अभी तो 3-4 महीना बेटा मत सोचो, तो मैं बोली देखो ना भगवान जी मेरे से इतना प्यार करते हैं कि उनको भी ये चीज़ ना मतलब पता है कि मुझे डांस इतना पसंद है, तो पैर में घुंघरू बांधने की जगह मेरे पेट में घुंघरू बांध दिए, डॉक्टर भी बोलती इसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं 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 तुम आराम करो रेस्ट करो सब ठीक हो जाएगा, जरूर डांस करोगे जरूर डांस सिखाओगे, मैं अब आप लोगों को ना इसका रिपोर्ट दिखा दे, ज़्यादा बात मत करो आप, चलो वो तो उठ नहीं पाई तो मैं ही सो गई थी, जब मैं आप लोग हाँ अपने नहीं बात करो, ये है इसका रिपोर्ट, तो इसमें तो फ़ोन नंबर वगैरह लिखा है, तो मैं छुपा छुपा के आप लोग को दिखाती हूँ ताकि आप लोग को यकीन हो जाए इसको क्या क्या हुआ है, और मैं इससे बहुत बार मिल चुकी हूँ बीच में आके, बस ब्लॉग में नहीं बनाई हूँ, हो सकता है कुछ लोग बोले कि आप प्रीति से मिलने नहीं गए घर के इतना बीमार है, तो आई हूँ मैं ब्लॉग शूट नहीं की, मगर आज ये खुद से ही बोली कि प्लीज़ मेरे लिए बोलो कि थोड़ा दुआ करे करके ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, तो वो ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं, चलो मैं आप लोगों को उसका रिपोर्ट दिखाती हूँ, चेस्ट का है एक्सरे रिपोर्ट और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत हीला अपीयर्स, क्या लिखा प्रोमिनेंट ब्रॉन्सिस्ट, ये इम्प्रेशन आया है इसका, आपको दिखा रही हूँ ये देखो इसका, ये हीमोग्लोबिन काउंट अच्छा ये 34.6 है, और ये आपका ये ल्यूकोसाइट्स WBC ये 15,600 है, 4,000 से 11,000 तक होना चाहिए, ये बड़ा है, लिम्फोसाइट्स 13 है, 20 से 14 होना चाहिए, ये कम है, न्यूट्रोफिल्स 12,480, 2,000 से 7,000, ये भी बड़ा है, तो कितना सारा चीज़ इसको पकड़ाया हुआ है, और 93 देखो इसका टाइफाइड चेक हुआ है, टाइफाई 1.80 टाइफी TH ये इम्प्रेशन पॉजिटिव, इसको टाइफाइड हो गया है, इसका लीवर फंक्शन का टेस्ट है ये 1.1 बड़ा है, ये 0.6 ये भी बड़ा हुआ है, ये एल्बुमिन ये भी बड़ा है 4.4, ग्लोबुलिन ये भी बड़ा हुआ है, ये भी बड़ा हुआ है, तुम्हारा तो पूरा लीवर में नहीं खा पी के तुम आज अपना तबीयत का ही हाल किया हो।